इस समारोही मिस्सा में हम शारीरिक और सामुदायिक रूप से भाग नहीं ले सकते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि आप इस टेलीकास्ट वाले मिस्सा में भक्ति पूर्वक भाग लीजिए। ईश्वर निश्चित रूप से आपको भरपूर कृपाएं प्रदान करेगा। इस यूकारिस्टिक बलिदान को अर्पित करने के पहले थोड़ी देर मौन रहकर अपने सभी पापों के लिए हम क्षमा मांगें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। तूने इस अपूर्व संस्कार को अपने दुखभोग का स्मारक ठहराया है। हमारा निवेदन है कि हम तेरे शरीर और रक्त के परम पावन संस्कार के प्रति इस भांति सम्मान प्रदर्शित करें कि अपने में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तेरे द्वारा जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ अनंत काल तक जीता राज करता है। आमीन। विधि विवरण अध्याय 8 पद संख्याएं 2-3 तथा 14-16 तक पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने तुम लोगों को मन्ना खिलाया जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। मूसा ने लोगों से कहा, 40 वर्ष की मरुभूमि की वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने
तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए। वह जानना चाहता था कि तुम लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने तुम्हें दीनहीन बना दिया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। वह तुम्हें यह शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दासता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। यह प्रभु की वाणी है। Thank you.
दूसरा भाग कुरिंथियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पाठ अध्याय 10 पद संख्याएं 16 से 17 तक। रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना करते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र सुसमाचार। मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई यह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है।
ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हमारी कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मनाती है। इस पर्व में कलीसिया ईश्वर के अनंत प्रेम की गहराई को जागृत करती है। चूंकि आज का पर्व पुराने व्यवस्था के बलिदानों और घटनाओं से अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं सर्वप्रथम पुराने व्यवस्थान के चार तथ्यों पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। पहला तथ्य है मिस्र देश की दासता से मुक्ति। इसराइलियों के लिए मिस्र देश की दासता से मुक्ति पाना ऐतिहासिक घटना थी और ईश्वर का महान चमत्कारी वरदान था। इसके एक दिन पहले संध्या समय प्रत्येक परिवार ने एक दोष रहित मेमने का वध किया, उसके रक्त को दरवाजे पर पोता और उसके मांस को भूनकर कड़वे साग के साथ जल्दी जल्दी खाया। यह प्रभु का पास्का था, क्योंकि प्रभु ने इस रात मिस्र देश का परिभ्रमण किया और अगले दिन इसराइलियों को मिस्र की दासता से मुक्त किया। प्रभु के आदर में मुक्ति के इस दिन को अर्थात पास्का के इस दिन को बड़े त्यौहार के रूप में इसराइली लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मनाते आए थे। दूसरा तथ्य जानवरों की बलि। जब कभी इसराइली लोग ईश्वर की महिमा पूजा और आराधना करना या ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते थे, जब कभी कोई विशेष कृपा पाना चाहते थे, जब कभी अपने पापों की क्षमा पाना चाहते थे, तो वे बैलों बकरों भेड़ों मेमनों और जो गरीब थे वे कबूतरों और पंडुकों आदि की बलि चढ़ाते थे। उदाहरण के लिए राजाओं का ग्रंथ बतलाता है कि राजा सुलेमान ने नए भव्य मंदिर के प्रतिष्ठान के अवसर पर याहवे को धन्यवाद देने के लिए 22,000 बैलों और 1,20,000 भेड़ों को बलि चढ़ाया। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 62 और 63। दूसरा उदाहरण नबी एलियास ने 3 वर्षों की अनावृष्टि के पश्चात ईश्वर की महिमा और लोगों के विश्वास की रक्षा करने और वर्षा पाने के लिए कारमेल पहाड़ पर बैल की बलि चढ़ाई। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18। तीसरा उदाहरण इसराइली लोग साल में एक बार यौम की पूरिम दिन अर्थात प्रायश्चित का दिन मनाते थे। इस दिन अपने पापों की क्षमा मांगते हुए वे सामुदायिक रूप से एक बैल और एक भेड़ का बलिदान चढ़ाते थे और एक दूसरे भेड़ के ऊपर अपने पापों को लाद कर वे उसे मरुभूमि में भेज देते थे। इतना ही नहीं, वे इनके रक्त को अपने ऊपर छिड़कते थे। निर्गमन ग्रंथ 30:10। इस दिन के अलावे अन्य अवसर पर भी उनके पुरोहितों का कर्तव्य था कि वे लोगों की पाप की क्षमा के लिए बार बार बलिदान चढ़ाया करें। लेवी के ग्रंथ अध्याय 4:31। तीसरा तथ्य ईश्वर को अर्पित बलिदान के मांस को खाना। पुराने व्यवस्थान में ऐसा रिवाज था कि प्रत्येक इसराइली भक्त अपने शुद्धिकरण के लिए मंदिर में मेमने को बलि चढ़ाता था। वहां मेमने का वध होता था, उसके बड़े भाग को उस भक्त के लिए वापस कर दिया जाता था।
वह मांस ईश्वर द्वारा आशीषित और पवित्र माना जाता था, इसलिए उसे घर लेकर और तैयार करके परिवार के सदस्य प्रार्थना में वातावरण में उसे खाते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर को अर्पित उस मांस को खाने से उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक नवीकरण होता है। चौथा तथ्य, प्रतिज्ञात मसीह के आगमन की आशा। सारी इसराइली जनता एक मसीह के आने की आशा कर रही थी, जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर ने नबियों के मुँह से दी थी। चूंकि इसराइल देश रोमियों के आधिपत्य में था, लोग एक राजा मसीह की, ऐसे मुक्तिदाता की कामना कर रहे थे जो रोमियों की दासता से उन्हें मुक्त करे। प्रिय भाई और बहनों, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इसराइलियों के लिए निम्नलिखित तथ्य उनकी धार्मिक आस्था और क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। पहला, प्रथम पास्का और मेमने का मांस और रक्त। दूसरा, धार्मिक अनुष्ठानों में जानवरों का बलि। और तीसरा, ईश्वर को अर्पित मेमने के को भोजन के रूप में खाना। और चौथा, प्रतिज्ञात मसीह के आगमन की प्रतीक्षा। ये सारे तथ्य पुराने व्यवस्थान की संहिता, धार्मिक रीति रस्म और नबियों की भविष्यवाणियों पर आधारित थे। हमारे प्रभु ने इनको रद्द नहीं किया, बल्कि उनका विरेचन किया, उनका आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण और नवीकरण किया, उन्हें पूरा किया और उन्हें नया रूप दिया। उसने कहा, या न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ, मैं रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। प्रिय भाई और बहनों, हम विचार करें कि किस तरह से हमारे प्रभु ने संहिता और नबियों के लेखों को पूरा किया। सर्वप्रथम, हमारे प्रभु ने नबियों की उन भविष्यवाणियों को पूरा किया जिसमें कहा गया था कि एक मसीह, एक मुक्तिदाता पैदा होगा। हमारे प्रभु ने शरीर धारण करके संहिता और नबियों की भविष्यवाणियों को पूरा किया। दूसरी बात, अपने जीवन के अंत में महापुरोहित के रूप में उसने मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया। जानवरों का बलि नहीं बल्कि स्वयं का बलि चढ़ाया। बलिदान के लिए उसने अपने आप को मेमना बना दिया, खुद को बलिदान का शिकार बनाया। संत जोहन बपतिस्ता ने ठीक ही कहा था कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हर लेता है। तीसरी बात, पुराने व्यवस्थान में लोग जिस तरह ईश्वर को अर्पित मेमने के मांस को खाते थे, उसी तरह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने पिता ईश्वर के हाथों अर्पित अपने शरीर को खाने और अपने रक्त को पीने के लिए हमें दे दिया। वास्तव में वे पास्का का मेमना बन गए। चौथी बात, उसने अपने क्रूस के बलिदान को पाप क्षमा का बलिदान बनाया और उसे चिरस्थाई बलिदान बनाया। इसका अर्थ है कि वही एकमात्र बलिदान है और उसे बार बार दोहराने की करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु ने अंतिम ब्यारी में अपने प्रेरितों को विदा लेने के पहले उनके लिए और भविष्य की कलीसिया के लिए अपने को और अपने बलिदान को उपहार के रूप में देना चाहा। अतः उसने क्रूस के अपने बलिदान को एकमात्र चिरस्थाई बलिदान के रूप में दे दिया और रोटी को अपने शरीर और दाखरस को अपने रक्त के रूप में दे दिया। अंतिम ब्यारी में यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए कटोरा लिया, यह कटोरा मेरे रक्त द्वारा स्थापित नया विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में संत पौलुस यूकरिस्ट की स्थापना का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिस रात को यीशु पकड़वाए गए उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है या तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में क्या करो।
इसी प्रकार बियारी के बाद उन्होंने कटोरा लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो यही मेरे स्मृति में किया करो। इसके बाद संत पौलुस कहते हैं, इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा या प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 11:23-26। इस तरह हमारे प्रभु ने पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान की स्थापना की। ईश्वर की ओर से यह अगाध अथाह करुणामय प्रेम से प्रेरित मानव जाति के लिए एक दिव्य वरदान है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु ने मेरी स्मृति में किया करो कहकर अभिषिक्त पुरोहितों को अधिकार दिया है कि वे पवित्र यूखरिस्त के समारोह में रोटी और दाखरस को लेकर बलि परिवर्तन के शब्दों का उच्चारण करके रोटी को यीशु का शरीर और दाखरस को उनके लहू में बदल दें। कभी कभी हम आश्चर्य करते हैं और यदा कदा संदेह भी करते हैं कि यूखरिस्तीय अनुष्ठान के वक्त प्रभु यीशु के शब्दों को पुरोहित के दोहराने मात्र से रोटी और दाखरस कैसे प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त बन जाते हैं। पर यह अनंत सत्य है और हम विश्वास करते हैं। कलीसिया के इतिहास में यूखरिस्त से संबंधित कई चमत्कारी घटनाएं हुई हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बतलाता हूँ। इटली देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक छोटा शहर है जिसका नाम है लांसियानो। इस शहर के संत लेगोंसियन गिरजेघर में 8वीं सदी में बसीलियन धर्म समाज का एक पुरोहित रहता था। यूखरिस्त में हमारे प्रभु की वास्तविक उपस्थिति पर उसे थोड़ा थोड़ा संदेह था। एक दिन उसके मिस्सा के दरमियान बलि परिवर्तन की प्रार्थनाओं के तुरंत पश्चात होस्तिया जीवंत जीवित मांस में बदल गई और दाखरस जीवित रक्त में बदल गया। मैंने अपनी आँखों से मोन्स्ट्रांस में रखे उस मांस को और उस कटोरे में रखे हुए रक्त को देखा है। रक्त जम गया है। बहुत बार इनकी जांच हुई। अंतिम लेबोरेटरी जांच 1981 ईस्वी में हुई। इस जांच में पाया गया कि मांस असल मांस है, रक्त असल रक्त है और मांस और रक्त मनुष्य के हैं। मांस हृदय की मांसपेशियां हैं। मांस और रक्त दोनों का ब्लड टाइप है AB। आपको मालूम होगा कि तुरिन शहर के प्रभु के कफन के कपड़े में प्राप्त लोहू का भी AB ब्लड टाइप है। 12 सदियों के बाद भी इस मांस और इस रक्त में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर आप इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इंटरनेट में द यूकरिस्टिक मिरेकल ऑफ लांसियानो के शीर्षक में पा सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र संस्कार के दो पहलू हैं। पहला है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस पर आत्म बलिदान को दर्शाता है। इसे हम पवित्र मिस्सा या यूकरिस्तीय बलिदान कहते हैं। हमारे लिए यह प्रभु द्वारा अर्पित एकमात्र बलिदान है और यह चिरस्थाई है। दूसरा है प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त, जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, आत्मिक भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम पवित्र कम्युनियन या परम प्रसाद कहते हैं। हमारे प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। संत योहन अध्याय 6:51। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है
वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र यूकारिस्टीय बलिदान हमारे जीवन का केंद्र है और चरम बिंदु है, क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के एकमात्र चिरस्थाई बलिदान को दोहराते हैं और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के मांस और रक्त को ग्रहण करते हैं। ईश्वर के इन दो वरदानों के सम्मुख हम आश्चर्यचकित होकर कृतज्ञता से भर जाते हैं। पवित्र यूकारिस्ट ईश्वर के प्रेम की पराकाष्ठा का साक्ष्य देता है। हम यह भी याद करते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रभु ने हमारी अनंत मुक्ति के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उसी तरह हम भी अपने को ईश्वर के हाथों और अपने पड़ोसियों के लिए अर्पित करना चाहते हैं। संप्रति COVID-19 के महामारी के कारण हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग दुख और चिंता के शिकार हुए हैं। पवित्र यूकारिस्ट हमें प्रेरणा और शक्ति देता है कि हम भूखों को भोजन दें, प्यासों को पानी पिलाएं, वस्त्रहीनों को वस्त्र दें और बीमारों की देखभाल करें। प्रभु यीशु का पवित्रतम शरीर और रक्त आप सबको ईश्वर की आत्मीयता में रखे और आपको पवित्रता के मार्ग पर निरंतर ले जाए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर धर्मसार, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट किया गया और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख होगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मैं पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ और पिता और पुत्र से प्रसरित होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बात जोड़ता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हम सबको आमंत्रित किया है कि हम उनके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त का समुचित सम्मान करें और अपने में मुक्ति का फल अनुभव करें। मरुभूमि में जब इसराइली लोगों ने भोजन की शिकायत की तो प्रभु ने उन्हें मन्ना प्रदान किया। जब वे प्यासे थे तो प्रभु ने चट्टान से पानी निकाल कर उनकी प्यास बुझाई। मुक्ति के नए युग में यूकारिस्ट में उपस्थित यीशु का शरीर और रक्त लोगों का पोषण करता है। हम उसी प्रभु से प्रार्थना करें और गाएं।
पवित्र ईसा के माध्यम से विश्वासियों को ईश्वर के करीब ला सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेम पिता, तूने अपने पुत्र को उपहार स्वरूप हमें दिया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र ने अंतिम बिहारी के दौरान यूकरिस्ट की स्थापना की, उन्होंने हमारे आध्यात्मिक पोषण के लिए अपने शरीर और रक्त को प्रदान किया। हमें ऐसी दुआ दे कि हम भक्ति के साथ यूकरिस्ट में भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु कृष्ण द्वारा। Thank you.
हे प्रभु हमारे ये उपहार एकता और शांति के रहस्यमय प्रतीक है। अपनी कलीसिया के ये दोनों वरदान दया पूर्वक ग्रहण कर हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता यह परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अंतिम ब्यालू में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनी रहे, इसलिए इन्होंने अपने को निष्कलंक बलि के रूप में तुझे अर्पित कर दिया। यह अति सुग्राह्य उपहार तुझे परम महिमा देता है। यह चिरवंदनीय संस्कार के द्वारा तू अपने विश्वासियों का पोषण करके उन्हें पवित्र करता है कि जो मनुष्य जाति एक पृथ्वी पर निवास करती है वह एक विश्वास से आलोकित हो और एक ही प्रेम सूत्र में बंधी रहे। और हम परम प्रसाद के अद्भुत संस्कार में तेरी कृपा के माधुर्य का अनुभव करके दिव्य जीवन के प्रतिरूप बनते जाए। इसी कारण स्वर्ग और पृथ्वी के समस्त चराचर तेरे आराधन की में नया गान गाते हैं और हम भी स्वर्ग दूतों के साथ एक स्वर से निरंतर घोषित करते हैं। परम पिता तू वास्तव में पवित्र है, या उचित है कि तेरे समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है।
तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को येसु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्राप्त दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए या जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपने कलीसिया की चढ़ाए पर ज्यादा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टोको, हमारे सहायक धर्माध्यक्ष टेलेस्कोर बिलुम और थियोडोर मस्कैनिस, सभी धर्माध्यक्षों याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो।
और आपके साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय जीसस। प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारे तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग में कि तू मेरे घर आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमेन। जी, जीवन दी दो, जो है
विश्व भारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने मातृभूमि भारत के लिए दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसे तेरे अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश से असत्य के अंधकार को हटाकर सत्य के प्रकाश को छिपा दे। हमारे संविधान के मूल्यों को अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का सम्मान हो। विभिन्न संप्रदाय और विचारधारा के लोग घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन कर रहे हैं। विधान मंडल सबके कल्याण के लिए विवेक को दे रहे हैं। न्याय का समृष्ट विवेक और न्याय की संस्था बने। प्रशासन सेवा भाव से अपना उत्तरदायित्व निभाए। संचार के साथ सत्य को फैलाने का माध्यम बने। हमारे राष्ट्रीय संस्थान बुरी ताकतों के प्रभाव से सुरक्षित रहें। हमारे देश के गरीबों को जीविका के साधन उपलब्ध हो। दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनाव में सत्य सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं में सच्ची देशभक्ति द्वारा प्रचलित हो। स्वीकृता COVID-19 महामारी के कारण सारा भारत दुख और चिंता का शिकार है। कोरोना वायरस के बीमार और संक्रमित लोगों को छाय प्रदान कर निर्धनों, प्रवासी मजदूरों, कष्ट देते हुए अपने काम घर जाते लोगों, विशेषकर महिलाओं और नए बच्चों की रक्षा कर उन परिवार को साथ बनाते जिनके लिए कोरोना वायरस भूख प्यास थकान या दुर्घटना से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों, उपचारिकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, उदार व्यक्तियों और समाज सेवियों को आशीर्वाद दे। देश के नेताओं के हृदय में गरीबों, श्रमिकों और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और सम्मान प्रदान कर। आने वाले दिनों के लिए तू हम सबका मार्गदर्शन कर। हमारे प्रभु और विधाता यीशु मसीह के पवित्र नाम पर और स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी हमारी मां मरियम की आमीन। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, इस जीवन में तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने से हमें ईश्वरीय आनंद का भाव होता है। ऐसी कृपा दे कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा सर्वदा परिपूर्ण होते रहे। तेरे द्वारा जो अनंत काल तक जीता राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग भी डाले प्रभु की शांति साथ रहे। Yeah.
फ्लावर पॉट्स बनवाए, यू वर देयर लाइक फ्लावर पॉट्स। या या या